नमस्कार। आज का विचार बिंदु श्रम एवं समाज कल्याण में कर्मचारियों के मिलने वाला पेंशन है। अंग्रेजी में भी पेंशन कहते हैं, हिंदी में भी, बोलचाल की भाषा में भी उसे पेंशन ही कहा जाता है। जरा आप इसे समझें। पेंशन के बहुत सारे बिंदु हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा चर्चा हम करेंगे, क्योंकि सारे बिंदु अपने आप में बहुत एक एक चैप्टर है। प्राचीन भारत में भी कर्मचारियों के लिए जो राज सत्ता में काम करते थे उनके लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था थी, जो सामाजिक सुरक्षा में बताया भी गया है। आगे आइए, दूसरा देखें, द इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 95, यह जो कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम भारत सरकार जो लेकर आई, यह जो पीएफ एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952 का, उसके तहत, उसके उपधारा 16 के तहत यह व्यवस्था है। ये इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 उसी के तहत है। अब आइए 2003 ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार ने 2004 में बंद किया। 2004 में भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया। अब इसके पीछे बहुत तरह के कारण है। तत्कालीन उस संसद में बहस में भी आए थे, आज भी देखने को आ रहा है कि एक पंचम आयोग के वेतन के बाद कर्मचारियों के पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बड़े पदाधिकारी जब अवकाश प्राप्त करते हैं तो लगभग 1.5 लाख तक उनका पेंशन हो जाता है। जरा आप सोचें, 1.5 लाख तक पेंशन हो जाता है, पेंशन का अर्थ क्या होता है? पेंशन का अर्थ एक व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम सुविधा मिलना होता है। ये लेकिन यहां 1.5 लाख है। आज के युवा कहीं भी काम करते हैं तो उनको अधिकतम 10-15-20 हजार रुपया मिलता है। अब आगे आए न्यू पेंशन स्कीम। अब 2004 के बाद भारत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू किया। 2004 में जो सरकार ने पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किया, लोकसभा चुनाव में यह सरकार चली गई और जो सरकार आया वो भी सरकार इसे लागू किए हुए रहा। और उस समय के वित्त मंत्री, आप बैठकर पूरे राज्यों के वित्त मंत्री को बुलाकर जो उन्होंने बहस किया, उस बहस में तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी यही समस्या एज ए वित्त मंत्री, एज ए भारत सरकार, उन्होंने बताया कि अगर ये पेंशन स्कीम चलेगा तो सरकार भविष्य में दिवालिया हो जाएगी। अब आगे आए पांचवा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी लागू है, राज्यसभा में राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी जी ने इस विषय को रखा और उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों का कुल 5,96,000 करोड़ रुपया, 5,76,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन देने पर खर्च हो रही है। वो वीडियो मैंने पूरा देखा,
उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा आपको जानना चाहिए। बिहार में पेंशन और वेतन पर 60% आय का खर्च होता है, हिमाचल में 80% वेतन और पेंशन का खर्च होता है, पंजाब में 34%, और आगे सांसद महोदय ने बताया। अब आप देखें कुल विकास के लिए 100 में 20 रुपया यहां बचता है, और ये विषय जो उन्होंने उठाया ये विषय यहां से आया। दोनों सरकार ने मिलकर इस सिस्टम को लागू किया। अब वहां सरकार बन गई और वहां के राजनीतिक दल के नेता ने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ओल्ड एज स्कीम वाला पेंशन दूंगा। अब इस नारे के साथ वो चुनाव जीत गए। अब आगे देखें तो इसी बात को लेकर सुशील मोदी जी ने संसद में ये बताया कि अगर ये स्कीम चलता रहा तो जो राज्यों का कुल आय है 2034 में जीरो हो जाएगा, यानी लंका और पाकिस्तान की स्थिति हो जाएगी, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे एक कथा भी याद आ रही है, इन कॉलेज में हमारे तत्कालीन एक शिक्षक कहते थे कि जब 51 के बाद बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो बिहार सरकार ने वो पूर्व जमींदार साहब को 12 लाख रुपया दिया। अब जब 12 लाख रुपया मिला तो उस रुपया को लेने के लिए बजाता वो एक ट्रक लेकर आए, 5 गार्ड लेकर आए और ट्रक पर रुपया लाद के ले गए ट्रेजरी से, और अपने घर पर जब ले गए तो 5 गार्ड 12 लाख रुपया के सुरक्षा में, यानी 5 बरस में कुल उनका 12 लाख रुपया वेतन पर खर्च हो गया और उसके बाद वो सेवा समाप्त हो गई। ये विषय मुझे याद आया कि ये कहानी बताना जरूरी है। अब दूसरा देखें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं कि हम ओल्ड एज ये पुरानी पेंशन स्कीम देंगे। स्वाभाविक है, देश प्रजातंत्र है, आप आम जनता हो, नेता हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सबका एक वोट देने का अधिकार है, और ये अधिकार का प्रयोग वो कर्मचारी का जो इंटरेस्ट होगा उसका इंटरेस्ट होगा कि हाँ भाई हमको रिटायरमेंट के बाद पुराना पेंशन मिलेगा, तो पुराना पेंशन मिलेगा तो इतना रुपया हमको हो जाएगा मूल वेतन का आधा प्लस प्लस डीए वगैरह, यानी तो वो सरकार को वो उस राजनीतिक दल को वोट देगा। ये इसीलिए 81 में हमने लिखा है नेताओं की गलत बयानी, नेताजी लोग अपने अगला चुनाव भर ध्यान रखते हैं कि हम जो आगे जो चुनाव लड़ रहे हैं उस चुनाव में हम किस तिग्रम से किस विधि से या क्या हम ऐसा कुछ बताएं जिससे ये हम चुनाव जीत जाएं, उसके बाद उनके भविष्य का उनको चिंता नहीं होती है। ये नेताओं की गलत बयानी, आपको भी अनुभव होगा। आगे बढ़ें, केंद्र एक उदाहरण आपको दे रहा हूं,
नवा पॉइंट में केंद्र सरकार का जो कर्मचारी है वो 42 लाख, उनके अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 62 लाख, ये दोनों को आप जोड़ दें तो 104 करोड़ हो जाता है। और 104 करोड़ हो जाता है, उनको 5 से गुना कर दें आप, उनके परिवार में 5 आदमी को रखें औसत, यहां आप 4 से भी गुना कर सकते हैं लेकिन 5 हमने रखा है। अब जो ये गुना करने के बाद आएगा लगभग 5 करोड़ हो जाएगा। और किसी भी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में 5 करोड़ लोगों को नाखुश करना नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि जो आएगा सो देखेगा, जाएं जहां जाना है जाएं, बर्बाद हो जाए उसे उनको क्या लेना देना, अभी तो चुनाव जीतेंगे ना। यानी 5 करोड़ सिर्फ यहां हो जा रहे हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, 62 लाख लोग उनके पेंशनधारी हैं। इसी तरह से राज्य सरकारों की भी स्थिति है, वो संख्या अगर जोड़ दी जाए तो वो संख्या करीब टोटल सभी राज्यों का तो 10 करोड़ से ऊपर जाएगा। उसके बाद यहां देखें ट्रेड यूनियन की मांग। अब श्रम संघ के जो नेता होते हैं उनके दिमाग में चलते रहता है कि हम लोकप्रिय कैसे हो। वाह भाई, वो नया स्कीम पुराना स्कीम, नया में वेतन तो बहुत मिल रहा लेकिन नया अवकाश प्राप्ति के बाद पेंशन बहुत कम हो जा रहा है, 500, 1000, 2000। तो जो व्यक्ति को 1-1.5 लाख खर्च करने का तरीका हो गया है वो अब व्यक्ति क्या करे। तो ये ट्रेड यूनियन के नेताओं ने मांग शुरू कर दिया कि ओल्ड एज, ये ओपीएस, ये यानी पुराना पेंशन स्कीम कृपया लागू करें। देश प्रजातंत्र है, अगर ट्रेड यूनियन के इनके जो संख्या बल है अगर सरकार के विरुद्ध हो जाए तो सरकार चुनाव हार जाएगी, स्वाभाविक है। उन्होंने ये अपना नारा दिया, हाँ भाई पुरानी पेंशन स्कीम लागू करिए। फिर इसके पीछे उनका एक तर्क आता है, उस तर्क को भी आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज लाया हूं। ये ट्रेड यूनियन के नेता, अन्य नेता जो होते हैं वो कहते हैं कि सांसद और विधायक जी का जो पेंशन है भारत के संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसद और विधायकों के लिए वेतन और भत्ता है, पेंशन नहीं है। वो कहते हैं कि आप का पेंशन नहीं है तो आपको नियम बनाना है, आपने अपना नियम बना लिया कि हमको भी पेंशन मिलेगा। एक बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, 4-4 जगह का पेंशन लेते हैं, 1.5-2 लाख रुपया पेंशन में आता है, स्वाभाविक है। इन अगर ये ट्रेड यूनियन के नेता इस पर भाषण देते हैं तो इनके जो भी कार्यकर्ता होंगे उनको लगा कि हमारे नेताजी सही कह रहे हैं, बात भी सही है। और इनको 5 बरस में मिल रहा है, इनको 30-40 बरस में मिल रहा है सेवा के उपरांत, इनका पेंशन ये बंद कर दिए। आज 2004 के बाद जो भी बहालियां हैं उसमें पेंशन नहीं है, स्कीम हो गया। तो स्वाभाविक है ये विषय बड़ा ही आकर सीधा फायरिंग रेंज में आ गया है। मैं अब उसके बाद देखें, ये सांसद और विधायक पर आ जा रहा है आपके समक्ष। इस पेंशन में हमने ये बताया कि पेंशन प्रौढ़ावस्था में अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी सरकारी सेवक या किसी भी कंपनी के कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा
रिलीफ के रूप में काम करता है, काम करता है और उस व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाने में एक मदद करता है। मित्रों, आपके विषय में मैं ये सारा पॉइंट बना के इसलिए लाया कि आप अपना विचार इसके ऊपर रखेंगे कि क्या पेंशन कितना होना चाहिए, पेंशन का आधार क्या होना चाहिए, आखिर 1.5 लाख 2 लाख पेंशन हो या पेंशन की एक न्यूनतम कोई एक फिक्स अवस्था हो, कोई एक दिन विधायक, कुछ दिन विधायक रहने के बाद 50,000 रुपया पेंशन उठा रहे हैं और कोई पूरी जिंदगी सेवा करने के बाद पेंशन नहीं उठा रहे हैं। इसलिए ये समस्या श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थी होने के नाते ये विषय हमारे मन में था, इसलिए आपके बीच ये पॉइंट दर पॉइंट लाया हूं, ये आंकड़ा भी बताया हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पेंशन के ऊपर आपके क्या विचार हैं, क्या होना चाहिए, कृपया लिखिए ताकि आपके विचार की जानकारी हमको मिलेगी, और शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।